वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको ज्वार के आटे से बताऊंगी हलवा बनाना, जिसके लिए मैंने 150 ग्राम आटा लिया है और 100 ग्राम हम डालेंगे घी। हमारा घी गर्म हो चुका है, मैं ऐड करूंगी आटा। आटे को हम भूनेंगे 7 से 8 मिनट, जब तक आटे में भुने हुए खुशबू ना आए। 100 ग्राम घी डाल दिया है और 150 ग्राम मैंने ज्वार का आटा लिया है, इसे हम भूनेंगे 7 से 8 मिनट, जब तक ये अच्छे से भुन ना जाए। आठ मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से भून गया। हम गुड़ ऐड करेंगे। 1 कप मैंने गुड़ लिया है। और इसे हम मिक्स करके पानी डालेंगे। पानी हम जितना आटा लिए थे उसके 2 गुना पानी लीजिए 20 कप से। जैसे आपने 100 ग्राम आटा लिया है तो आप 200 ग्राम पानी ऐड कीजिए, या कप से लिया है आपने तब आप 2 कप पानी ऐड कीजिए। और अपने आटे को रेगुलर स्टर करते रहिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया। अब हम अपने हलवे को चलाएंगे अच्छे से। 100 ग्राम घी पहले मैंने यूज किया था और बाद में फिनिशिंग के लिए हम 1 चम्मच और ऐड कर देंगे। इस हलवे को आपको रेगुलर स्टर करने रहना होगा, नहीं तो इसमें लम्स पड़ेंगे। हमारा हलवा सर्विंग के लिए तैयार है। मेज यानी ज्वार का आटे का हलवा, जिसमें मैंने गुड़ यूज किया है, पाउडर गुड़, मैंने गार्निश की है 5-6 काजू, 10-15 किशमिश, थोड़ा सा तिल और 5-6 पिस्ते काटकर। जब हमारा हलवा तैयार हो गया था तो मैंने एक्स्ट्रा 1 चम्मच घी ऐड करके और अच्छे से अपने हलवे को भून लिया। अगर आपको हमारे ज्वार या मेज के हलवा बनाने की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।